इंडिया अगर ताजमहल के बाद किसी दूसरी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है सेक्रेट गेम्स, एक ऐसा शो जिसने ना सिर्फ हमें एंटरटेन किया था बल्कि इंडियन सिनेमा को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। शो की स्टोरीलाइन इतनी ज़्यादा धाकड़ और मज़ेदार थी कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में इस शो ने अपनी धूम मचा दी थी। शो का फर्स्ट सीजन आज से ठीक एक साल पहले जुलाई 2018 में आया था और तब से ही लोग इसके सेकेंड सीजन का वेट कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि 15 अगस्त का जो दिन है वो किस लिए फेमस है? आप बोलोगे ये क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे है जिस दिन हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। तो भैया इसमें एक नई चीज और जोड़ लो, 15 अगस्त को गणेश गायतोंडे लौट के आने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा, वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ सेक्रेट गेम सीजन 2। आज इस वीडियो में आप सभी के लिए गुड न्यूज लेकर आई हूं जिसका इंतजार आपको ऑलमोस्ट पूरे एक साल से था। जी हां, सेक्रेट गेम्स बहुत जल्द वापस लौटने वाला है और इस बार शो में नया क्या आपको देखने को मिलेगा वो सब आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आज शो के सेकंड सीजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और यकीन मानो ट्रेलर काफी खतरनाक और दमदार है। खतरनाक इसलिए क्योंकि इसमें काफी सारी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हम जैसे नॉर्मल लोगों की जिंदगी के साथ है। ट्रेलर मजेदार इसलिए है क्योंकि गणेश गायतोंडे की रंगीन जिंदगी के बारे में भी सेकंड सीजन में काफी कुछ दिखाया जाएगा। कैसे एक मामूली सा गुंडा एक अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया वो पूरी कहानी हमें इस बार दिखाई जाएगी। सबसे पहले आपको ट्रेलर से जुड़ी दो खास बातें बता देती हूँ। पहली बात ये कि इस बार शो में पंकज त्रिपाठी का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इस बार सेक्रेट गेम के मास्टरमाइंड होने वाले हैं। वैसे भी पंकज सर इतने कमाल के एक्टर हैं कि उनको नेगेटिव रोल में देखना मतलब हमारी आंखों के लिए इससे अच्छी थेरेपी दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। पंकज त्रिपाठी इस बार गुरुजी नाम के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। अगर आपने सीजन 1 देखा है तो आप जानते ही होंगे कि गायतोंडे ने अपने तीन बाप का जिक्र किया था। ये गुरुजी उसके तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट वाले बाप हैं। इनकी छोटी सी झलक हमें सीजन 1 में भी दिखाई गई थी जिससे समझ आ गया था कि कितने पावरफुल हैं। दरअसल गायतोंडे को जेल के अंदर पहुंचाने वाले और उसको जेल से बाहर निकालने वाले इंसान कोई और नहीं, ये गुरुजी हैं। अभी अपने खेल को किस तरीके से खेलते हैं वो हमें सीजन 2 में दिखाया जाएगा। ट्रेलर को देखने के बाद इस बात की तो गारंटी है कि इस बार सेक्रेट गेम्स पूरे तरीके से पंकज त्रिपाठी के नाम होने वाला है। ट्रेलर से जुड़ी दूसरी खास बात यह है कि इस बार शो में दो नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे। पहली है कल्कि और दूसरे हैं रणवीर शौरी। ये दोनों एकदम कमाल के एक्टर्स हैं और जिस भी कैरेक्टर में इनको डाला जाएगा ये पूरे शो में चार चांद लगा देंगे। ट्रेलर को देख के आप समझ सकते हैं कि रणवीर एक सीक्रेट पुलिस ऑफिसर के रोल में होने वाले हैं जिनका मेन गोल है गणेश गायतोंडे जैसे गैंगस्टर को पूरी तरह खत्म करना। वहीं कल्कि का रोल ट्रेलर से समझ नहीं आ रहा है लेकिन वो सरताज सिंह के काफी क्लोज होने वाली हैं। हो सकता है कि वो राधिका आप्टे जैसे किसी ऑफिसर के रोल में नजर आ सकती हैं। सीजन 1 में मुंबई पे कौन सा खतरा आने वाला है वो खुलकर नहीं दिखाया गया था लेकिन थोड़े बहुत हिंट शो में छोड़ दिए गए थे। इस बार ट्रेलर में साफ साफ दिखाया गया है कि मुंबई पे एक न्यूक्लियर अटैक होने वाला है जैसा हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था। दरअसल मुंबई की हवा में कुछ केमिकल्स मिलाए जाएंगे जिससे पूरे शहर की हवा में जहर मिल जाएगा और लोग सांस लेने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इस अटैक से बच निकलने के लिए ही त्रिवेदी के पास एक गैस मास्क था और इसीलिए गायतोंडे ने बोला था कि सब मर जाएंगे सिर्फ त्रिवेदी बचेगा। अब ये न्यूक्लियर अटैक सक्सेसफुल होगा या नहीं वो तो हमें 15 अगस्त को पता चलेगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे गणेश गायतोंडे जेल से बाहर निकलने के बाद गुरुजी की शरण में आ गया है और अब वो सिर्फ एक मामूली गुंडा नहीं एक बिजनेसमैन बन चुका है जो विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ बिजनेस करता है। ये सारा खेल गुरुजी का है जो पूरे तरीके से गायतोंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेलर में काफी सारे ऐसे सीन्स डाले गए हैं जिनसे आप गुरुजी के खेल को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जैसे एक सीन है जहाँ पे गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं और लोग उनकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहे हैं। कमाल की बात यह है कि इन भक्तों में से एक मुंबई के होम मिनिस्टर भी हैं और त्रिवेदी की झलक भी आप साफ साफ देख सकते हैं। दरअसल बात ऐसी है, गायतोंडे को फंसाने का पूरा खेल त्रिवेदी, भोसले और पारुलकर ने मिलकर बनाया था और इस पूरे गेम के मास्टरमाइंड हैं गुरुजी। ये देश की ना सिर्फ पुलिस बल्कि पॉलिटिक्स को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। ये लोगों की जिंदगी के साथ कुछ ऐसे जुड़ गए हैं कि सब इनकी अंधभक्ति करते हैं। देखिए सीजन 2 की पूरी कहानी रिवेंज यानी बदले के ऊपर बेस्ड होने वाली है। गायतोंडे अपने सारे दुश्मनों से एक एक करके बदला लेने वाला है, फिर चाहे वो ईसा हो या फिर पारुलकर या फिर भोसले और आखिरी में गुरुजी। हर किसी की बैंड बजने वाली है। गायतोंडे पूरे शो में काफी सारा तोड़फोड़ करने वाला है। देखो ट्रेलर की सबसे खास बात है इसमें डाले गए चुनिंदा खास डायलॉग्स जो आपको अभी से सीजन 2 देखने के लिए एक्साइटेड कर देते हैं। इन डायलॉग्स की मदद से ही मेकर्स ने शो के फर्स्ट सीजन को सुपरहिट बना दिया था और इस बार तो मुझे लगता है कि पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं। नवाजुद्दीन वैसे भी पूरी दुनिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। उनको स्क्रीन पे देखने का मतलब है आप अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम जीने वाले हैं और जब सैफ अली खान जैसे इंटेलिजेंट एक्टर इनके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो बात सोने पर सुहागा टाइप हो जाती है। अब इनकी जोड़ी क्या बवाल करती है वो तो हमें अगले महीने ही पता चलेगा। तो यार सेक्रेट गेम सीजन 2 15 अगस्त 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। ऐसे अच्छे शोज पूरी जिंदगी में एक बार ही देखने को मिलते हैं। मैं तो 15 अगस्त को सारे के सारे एपिसोड्स देखने वाली हूँ। अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो कैलेंडर में निशान लगा दो या फिर मोबाइल में अलार्म लगा दो, डेट याद रखना 15 अगस्त 2019। बाकी सेक्रेट गेम्स का ट्रेलर मेरे लिए तो
फाइव स्टार है, आप इसमें कोई भी नंबर नहीं काट सकते। ट्रेलर में डाले गए सीन्स एक से बढ़कर एक हैं और जो डायलॉग सुनने को मिलते हैं वो इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने लोगों को सीजन वन का स्टोरी वाला वीडियो चाहिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।